हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। Hey guys, good evening, welcome back to my channel शिशुपा पौनास ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। कल मैंने ब्लॉग नहीं दिया क्योंकि मेरा कल तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, मतलब सुबह तक था, अभी एकदम फिट। तो आ गई आप लोगों के साथ बात करने, और मेरी चाय टाइम भी हो रही है, तो चाय के साथ आप लोगों के पास ना होता ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब बन रहा है मेरी शाम की चाय, और जिसके साथ मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास तुरंत, दो मिनट में चाय बना के मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। तो दो मिनट वेट कीजिए, मेरा चाय जो है बन ही गया है, और कुछ नहीं, बस बाकी बातें आके करती हूँ। तो थोड़ा टाइम वेट कीजिए, मैं जल्दी से यू गई और यू आई आप लोगों के पास। तो मैं आ गई हूँ मेरी शाम की चाय लेके आप लोगों के पास, थोड़ा सा बातें करने के लिए। आज जो है सुबह से ब्लॉगिंग नहीं शुरू कर पाई, थोड़ा तबीयत खराब था, कल से ही खराब था। कल शुरू की थी मैंने लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, थोड़ा हेल्थ इशू था, तो इसलिए। तो कोई नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि अच्छा कोको भी आया है, रोटी खाओगे? ये लो तुम्हारा रोटी, उसका सुबह का रोटी देखिए, आधा खाया आधा नहीं खाया, तो अभी शायद खा सकता है, लो। तो अच्छा नहीं लगता कि तबीयत खराब लेके ऐसे रोना सूरत, रोती हुई सूरत या दुखी दुखी सूरत लेके ब्लॉगिंग बनाना, क्योंकि दुख देखिए हर किसी के लाइफ में है, तो दुख दिखा के कोई फायदा नहीं। जितना टाइम के लिए आओ, हंसो, खुश रहो, बस और क्या, यही है, इसी का तो नाम जिंदगी। पता नहीं क्या एक गाना है, तो मुझे समझ नहीं आ रही है। अभी मैं पी रही हूँ शाम की चाय, साथ में बिस्किट, लेकिन बिस्किट भी मुझे एक्चुअली मुझे सिर्फ चाय अच्छा नहीं लगता और सिर्फ बिस्किट भी अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये एक मैरी बिस्कुट ले रही हूँ मैं चाय के साथ, और बेटी जो है उसको खाना है एग रोल, चिकन एग रोल। तो मेरी सास के साथ, मतलब अपनी दादी के साथ गई है नीचे चिकन एग रोल लाने, तो मैंने कहा मुझे नहीं खाना, तुम खा लो, तो वो क्या बोलती है उसी के मुंह से सुनिएगा। अभी तक आए नहीं है, तो इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके लिए थोड़ा एक्सटेंड करते हैं टाइम को। वो आएगी जब, उसको मैं पूछूंगी, आप लोग देखना वो क्या बोलती है कि अकेले क्यों नहीं खाएगी वो। और बस अभी चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद एग रोल आएगा मेरे लिए शायद, तो एक बड़ा सा एग रोल मिलता है यहाँ पे। हमारा नॉर्थ बंगाल में जो है ना, ये बात शेयर कर रही हूँ, नॉर्थ बंगाल की, मतलब नॉर्थ बंगाल का भी पता नहीं, अलीपुरद्वार की बात बोल रही हूँ मैं, तो अलीपुरद्वार भी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अलीपुरद्वार में हम लोग जो छोटे से बड़े हुए, तब तक उस उधर का जो एग रोल था वो पतला सा, मतलब बिल्कुल पतला सा, एकदम इतना सा गोली होते थे उसका, गोली गुलाई क्या बोलते हैं उसको, रुई नहीं पता नहीं, उसका रोटी का जो एक गोल सा बनता है ना उसको, क्या मैं भूल रही हूँ, अच्छा चलो वो जो बनता था बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा इतू सा बनता था, और उसी मतलब उससे एक पतला सा रोटी जैसा बनता था उस एग रोल। अभी भी जब हम लोग दुर्गा पूजा में जाते हैं ना, तो किसी किसी मतलब छोटा छोटा शॉप जो मिलता है वहां पे ऐसे मिलता है, उसका टेस्ट पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। और अभी जो बन गया है अलीपुरद्वार में भी ये वाला एग रोल मिलता है, बहुत मोटा मोटा करते हैं पराठे जैसा, पहले उसको सेकते हैं फिर व्हाटएवर कुछ भी हो बनाते हैं, तो ये बहुत हैवी बन जाता है, तो इसको अगर मैं अकेली एक नहीं खा पाऊंगी, ऐसे नॉर्मली खा लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मन नहीं हो रहा है, तो नहीं, ये मैं बोल ही रही हूँ आप लोगों को, लेकिन बेटी के पास साथ बोलूंगी, तो आप लोगों को सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा कि वो क्या बोलती है, कि क्यों दो आ रहे हैं हमारे घर में एग रोल। बस अभी चाय पीती हूँ, तब तक आ जाएगा, फिर खा के फिर मुझे कंप्यूटर क्लास के लिए नीचे जाना है, फिर आके रोटी बनानी है, सब्जी मैंने बना लिया, फिर सब्जी बनाने के बाद ही मैं जो हूँ, शायद आ रही है लिफ्ट की आवाज़ हो रही, सब्जी बनाने के बाद ही मैं चाय बनाई और आप लोगों के पास आ गई मेरी शाम की चाय शेयर करने।
तो बेटी अभी आ रही है, लिफ्ट की आवाज हो रही है और कोको भी चला गया। देखिए तो ऐसा मुझे लगा कि देखिए जब कोको ऐसे जाता है हमारे घर लोग आते हैं, मतलब हमारे घर के लोग जब आते हैं तब ऐसे चिल्लाता है, नहीं तो वो जाके उधर खड़ा हो जाता है। देखिए आ गए बेटी, वो देखिए मैं बोल रही थी ना कि देखिए वो देखिए वो देखिए देखिए आ गए बेटी और सास। क्या लेके आए हो? क्या? चिकन रोल। ओके ठीक है, अभी खाते खाते आप लोगों के पास आऊंगा, थोड़ी चाय खत्म कर लेती हूँ, ठीक है? तो थोड़े टाइम बाद आती हूँ। बाबा मुक्ता देखिए एक फेस दिखाओ अपना, ये कितना खुश। देखिए बेटी कैसे खाती है एक रोल, कैसे खाएगी? ना पहले इसको, ये चिकन एग रोल है इसलिए पहले इसका चिकन वाला पार्ट निकालूंगी। इसे साइड करके, जैसे गरम सब्जी खाते हैं ना। हाँ। अभी गरम है इसलिए नहीं हो रहा है ज्यादा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। और एक बात जो है, मैं इसको पूरा नहीं खाऊंगी, आधा मैं हस्बैंड के लिए रख दूंगी। और बात वो भी नहीं है, बात वो वाला बात बोलो तुम, जैसे मैंने कहा एक एग रोल लेके आओ, मेरा अच्छा नहीं लग रहा है मुँह, तो तुमने क्या कहा? नहीं मम्मी को देके खाने मतलब क्या बोलते हैं, अपने से नहीं दूंगी, मतलब अपने से नहीं दूंगी, पर मम्मी अगर नहीं खाए तो फिर कैसा लगता है? समझा के नहीं बोल पाई, उसका मतलब है वो मुझे जो बोली कि मैंने कहा तुम अकेले के लिए लेके आओ, तो वो बोल रही है मम्मा अच्छा नहीं लगता है, आप नहीं खाओगे, तो मैंने कहा क्या है तुम्हारे से? नहीं वो भी अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे से भी देना। मतलब खुद के अगर मैं अपने लिए नहीं मंगवाऊ और अगर एक ही आए एग रोल तो उसमें से अगर मैं थोड़ा सा ले लू तो वो भी नहीं देना है, और ऐसा भी अच्छा नहीं लगता है कि खुद अकेली खाए और मम्मी को बिना दे। देखिए ये एग जो है वो अलग सा, ये चिकन अलग सा, और ये पराठा जो अलग सा, मतलब एग फ्राई, चिकन फ्राई एंड पराठा मेरी बेटी जो खा रही है। अभी मैं इसको कट करूंगी, हस्बैंड के लिए रखूंगी थोड़ा सा, उन्होंने कहा है नहीं खाएंगे लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है ना, हम दोनों खाएंगे, सास तो खाती नहीं है चिकन इसलिए, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता कि हम खाए वो न खाए। और इधर का जो ये वाला एग रोल है ना, इसका स्टफिंग वगैरह अच्छा बनता है, तो मिल बांट के खाने का मजा ही कुछ अलग है, मैं मानती हूँ ये। तो ठीक है अभी इसको कटिंग करके हस्बैंड के लिए रख के फिर आती हूँ आप लोगों के साथ खाते खाते। वहां पे उसने आधा रोटी खाया, उसको पिलाना है पानी, तो ऐसे पानी नहीं पीता है उसको, इससे पानी पिलाओ क्योंकि अभी सर्दी का मौसम हो रहा है ना, तो उसको वो खुद से बिल्कुल भी पानी नहीं पीता है, उसको पानी पिलाना है, लेकिन उससे पहले उसको देना है एक ये विटामिन की गोली जो उसको बहुत पसंद है, इसको देखे उसको बुला के फिर खिलाएंगे। देखिए आगे इसको निकालते ही लो, खा लो, खाके फिर इधर ही बैठो, उसको भी ये मेरा प्यारा लाडो बेटा है, लाडो बेटा बेटा मेरा बेटा बेटा तुम लाडी बेटी, तो उसको अभी पानी पिलाना है मुझे। खत्म हो गया हम लोगों का, और कोको का भी विटामिन टैबलेट और पानी पिलाना खत्म,
अभी मैं जाऊंगी कंप्यूटर क्लास के लिए, 5-10 मिनट के बाद आ जाऊंगी और एग रोल का रिव्यू जो है मेरी बेटी देगी, रुकिए। तो सृजिशा चक्रवर्ती, आपको कैसा लगा एग रोल खाके? वैसे तो वो उस दुकान, उस शॉप का बहुत ही अच्छा खाना बनता है और बहुत अच्छा था। कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है ये, कोको का है, इसी को माइक बना ली मैंने, तो मेरी बेटी जो है बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इसलिए वो जब बोलने के लिए आती है तो घबरा जाती है, जो मेरा भी पहले होता था, लेकिन होता था कुछ भी हो, अब नहीं होता है, अभी आप लोगों के साथ फ्रेंडली हो गई हूँ तो बातें करने के लिए आ जाती हूँ सुबह शाम दोपहर जब भी। अच्छा कोको को चाहिए, हाँ ये कोको का है ना, देखिए कैसे लेने के लिए आ गया, बैठ गया। कोको भी कैमरा फ्रेंडली है, कोको मेरा कैमरा फ्रेंडली है, कोको कैमरा या मोबाइल या टीवी कुछ तो देखिए खेल रहा है उसको, खेल रहा है कैसे, ये उसका फेवरेट खिलौना है, भागेगा अब, भागेगा उसको लेने। तो ठीक है फिर मिलेंगे शाम को रात को डिनर टेबल में, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे ड्यूटी से, तो मिलके सब खाना खाएंगे। गोभी के सब्जी बना था क्या, अभी बनाई मैंने, और रोटी बनाना है, तो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। अभी तो मैं चलती हूँ कंप्यूटर क्लास के लिए, सास पीछे बैठी हुई है, कोको खेलने में बिजी हो गई बेटी के साथ, तो ठीक है कुछ टाइम के बाद आती हूँ। तो मैं कंप्यूटर से आ गई काफी टाइम पहले, अभी 10:30 हो रहा है, बाप तो कुछ पता ही नहीं चला टाइम का। बेटी को देखिए मेरे ड्रेस पहन के घूम रही है, हस्बैंड जो है लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का, इसको देखिए पागल, ये लड़की पागल है। उठे कुछ थीला, तो अभी हम खाना खाएंगे, खाने में है गोभी मटर आलू का सब्जी और जो है रोटी, ये फर्स्ट वाला रोटी जो है कोको के लिए है। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, आते हैं खाना खा के आप लोगों के साथ बात करने। कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे सोने, 11 बज चुका है, मतलब खाना मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम लगता है, हस्बैंड और सास दोनों को खाने में, तो वो दोनों दो बैच में खाते हैं। मतलब मैं एक बार इन लोगों को खाना दे के सब कुछ करके बैठ के फिर खा के उठ के अगर दोबारा खाने, जितना टाइम लगता है इन दोनों को उतना टाइम लगता है, दोनों को, माँ बेटे दोनों को, दोनों यही पे बैठे हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मैं और मेरी बेटी बहुत जल्दी खाते हैं, तो हम लोगों का काफी टाइम पहले हो गया था, ये लोग अभी खा के बैठे हैं, तो हस्बैंड वही लैपटॉप में ही बैठे हैं, ऑफिस का कुछ काम कर रहा है, और अभी हम लोग जाएंगे सोने, फेस वॉश करना है, सब कुछ करना है, करके फिर जाएंगे सोने, कल सुबह सुबह जल्दी उठना है क्योंकि हस्बैंड को जाना है जल्दी ऑफिस। तो बस आज का ब्लॉग यही तक, छोटा सा ब्लॉग, कल मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। Good night.